Subscribe and press the bell icon for latest update. आज पीएम मोदी की कई जगह रैली है जहां वो कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस भी पीएम मोदी पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। जहां एक ओर बीजेपी ने पटेलों को जमकर टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस अपने आप को मजबूत करके बीजेपी से लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसे में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम से 4 सवाल किए हैं, जिनको सुनकर पीएम का जरूर दिमाग घूम जाएगा। आइए आपको बताते हैं कि वो कौन से 4 सवाल हैं। राहुल गांधी का पहला सवाल, 2012 में वादा किया कि 50 लाख नए घर देंगे, 5 साल में बनाए 4,72,000, 22 सालों का हिसाब कहां है? इसके बाद राहुल गांधी ने दूसरा सवाल किया, 1995 में गुजरात पर कर्ज 9,183 करोड़, 2017 में गुजरात पर कर्ज 2,41,000 करोड़, यानी हर गुजराती पर 37,000 कर्ज है। राहुल गांधी ने पीएम से तीसरा सवाल किया, जो कि इस प्रकार है, 2002 से 16 के बीच 62,549 करोड़ की बिजली खरीदकर 4 निजी कंपनियों की जेब क्यों भरी? और राहुल गांधी का पीएम मोदी से चौथा और आखिरी सवाल, सरकारी स्कूल कॉलेजों की कीमत पर क्या शिक्षा का व्यापार, महंगी फीस से पड़ी हर छात्र पर मार, न्यू इंडिया का सपना कैसे होगा साकार? जाहिर है कि इन 4 बड़े सवालों से पीएम मोदी का जरूर सिर घूम जाएगा और राहुल गांधी ने एकदम ठीक निशाना लगाया है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।